शरीर में विटामिन डी की कमी होने के कुछ लक्षण हैं, जैसे मधुमेह होने का खतरा, डायबिटिक पेशेंट्स, हृदय से संबंधित रोग, खून की कमी होना, शरीर में मोटापा बढ़ना, टीबी की समस्या, ट्यूबरकुलोसिस, गठिया, जोड़ों में दर्द, निमोनिया की समस्या और शरीर में विटामिन डी का अभाव होने पर शरीर को कैल्शियम की कमी भी होने लगती है और इस स्थिति में कैल्शियम खाने पर भी शरीर कैल्शियम को पचा नहीं पाता। अब कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की या ऐसी चीज़ों की चर्चा करेंगे जिनका सेवन करके शरीर को विटामिन डी की कमी की पूर्ति कराई जा सकती है। तो सबसे पहले स्थान पर विटामिन डी, जो पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है और विटामिन डी का भरपूर भंडार है सूर्य की किरणें, जो प्रतिदिन हमें बहुत ही सहजता से और आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। तो प्रयास करें जितना हो सके सूर्य की किरणों को पीठ के द्वारा सेवन करें, जिससे शरीर में विटामिन डी की कमी की पूर्ति हो सके। उसके बाद कुछ अन्य भोजन या खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन करके भी शरीर को सहायता मिल सकती है। दूध, गाजर, मशरूम, दलिया, गेहूँ, मक्की, बाजरा, जौ, बादाम और अखरोट, यह कुछ ऐसे भोजन हैं जिनका सेवन करके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। परंतु इन सब में प्रधान और जो विटामिन डी का भंडार है वह है सूर्य की किरणें।